बैक चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में होने वाले तीसरे और आखिरी T20 मैच के बारे में। 2-0 से ऑलरेडी इंडिया सीरीज जीत चुकी है। इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। हर्षित राणा डेब्यू करने वाले हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ऑलरेडी हार चुकी है सीरीज, तो ये भी अपनी प्लेइंग 11 में चेंज कर सकती है। ये मैच आपको देखने को मिलेगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में 12 अक्टूबर को शाम को 7 बजे। स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 9140233474, सेव करके रखना। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। हमने वीडियो में क्या क्या कवर किया है पहले उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो ये सबसे पहले वेन्यू रिपोर्ट एंड स्टैट्स, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, हेड टू हेड मैच का स्टैट्स। इसके अलावा प्लेयर्स बैटल हम देखेंगे, एक एक प्लेयर का स्टैट्स एनालिसिस करेंगे और ड्रीम इलेवन की टीम मैं आपको बना के दूंगा। पिच रिपोर्ट की बात करें, एक बैटिंग पिच है, पेसर्स को यहाँ पे विकेट्स मिलते हैं यानी फास्ट बॉलर्स को, तो यहाँ पे आपको बैट्समैन लेकर के चलने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेसर्स लेकर के चलने हैं। और यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। 2 इंटरनेशनल मैच हुए हैं और दोनों ही बैटिंग सेकंड ने विन किए हैं। मैं आपको बता दूं, आपने हैदराबाद में ही इस बार आईपीएल में देखा होगा जहां पे हैदराबाद की टीम ने 277 बना दिया था और बहुत बड़े बड़े स्कोर बने थे इस बार हैदराबाद ने। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। 196 इंटरनेशनल मैच में एवरेज स्कोर है, 207 हाईएस्ट है, 186 लोएस्ट है, जो कि अपने आप में बड़ा स्कोर है। इंटरनेशनल के बाद अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ, जहाँ आईपीएल वगैरह के मैचेज शामिल है, वहाँ भी आप देख सकते हो 78 में से 42 मैच बैटिंग सेकंड ने विन किए हैं। 163 का एवरेज है, 277 हाईएस्ट है, 80 लोएस्ट है। रेन के यहाँ पे 75% चांसेज हैं, तो रेन हो सकती है, तो इसको भी देखते हुए टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करेगी। ऐसे तो फील्डिंग करने वाली टीम का ही अच्छा रिकॉर्ड है, और जहाँ रेन होती है, रेन होने वाली होती है, वहाँ भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करती है। बाकी स्कोरिंग पैटर्न आपके सामने है। टेम्परेचर की बात की जाए, 24 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट के 4 मैच हुए हैं वो आईपीएल के हुए हैं, वो आप देख सकते हो। 19 मई को जो हुआ था, 214 बनाया था पंजाब ने, हैदराबाद ने इतने बड़े टारगेट को चेस कर लिया। पेसर्स को मैंने आपको बताया विकेट्स मिलते हैं, 8 विकेट पेसर, मात्र 2 विकेट स्पिनर को मिले। 8 मई को मैच हुआ था, वहाँ पे लखनऊ ने 165 बनाया, हैदराबाद ने इसको 10 विकेट से चेस कर लिया था, वो भी आई थिंक 10 ओवर के पहले ही चेस कर लिया था। इसमें आपको याद होगा हमने कितनी बड़ी विनिंग की थी, कैप्टन हमने ट्रेविस हेड को, वाइस कैप्टन हमने अभिषेक शर्मा को बनाया था। वो विनिंग आज भी आप देख सकते हो लाइव विनिंग प्रूफ में, हमारे आईपीएल के करोड़ों रुपए के लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। 3 विकेट पेसर्स ने लिए थे। 2 मई को जो मैच 2 मई को जो मैच हुआ था उसमें 201 बनाया था हैदराबाद ने और मात्र 1 रन से राजस्थान हारी थी, ये भी मैच आपको अच्छे से याद होगा, 10 विकेट पेसर ने लिए। 25 अप्रैल को हुआ था, 206 बनाया था आरसीबी ने, हैदराबाद यहाँ चेस नहीं कर पाए थे। इस मैच में स्पिनर को सेकंड इनिंग में 5 विकेट मिले थे और 9 विकेट यहाँ भी पेसर्स ने लिए, काफ़ी विकेट्स लिए। यानी पूरे मैच में आप देखोगे, पूरे जितने भी मैचेज हुए पेसर्स ही हावी रहे और बैट्समैन ने बहुत रन बनाया। दोनों टीम के हेड टू हेड मैच की बात करें तो इंडिया ने 16 में से 15 मैच जीते हैं, मात्र 1 मैच बांग्लादेश ने जीता है। लगातार 5 मैच हार के आ रही है इंडिया, लगातार 5 मैच जीत के आ रही है, और इंडिया वैसे भी विश्व चैंपियन है, इसलिए इंडिया के लगातार जीतना कोई खास बात नहीं है। अब इस सीजन, इस सीरीज में 2 मैच हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों मैच इंडिया ने जीता है, सीरीज जीत चुकी है। लास्ट मैच में इंडिया की पहले बैटिंग आई, 221 रन बनाया इंडिया ने, जिसमें नितिश रेड्डी ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और बॉलिंग भी की, 74 रन 2 विकेट्स। रिंकू सिंह को ऊपर प्रमोट किया गया हार्दिक पंड्या के ऊपर, 53 बनाया इन्होंने, एंड इसके अलावा हार्दिक पंड्या ने भी 32 रन बनाया। अभिषेक सिंह नहीं, अभिषेक शर्मा ने 15 रन 1 विकेट, रेयान पराग ने 15 रन 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट। बांग्लादेश की तरफ से कोई भी बैट्समैन नहीं चल रहा है, दोनों ही मैच में नहीं चले। यहाँ पे महमूदुल्ला ने थोड़ा बहुत अच्छा खेला, बाकी सभी फ्लॉप रहे। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग में 3 विकेट लिया रिसार ने, 2 विकेट तस्कीन ने और 2 विकेट तंजीम हसन साकिब ने। अब यहाँ पे जो पहला T20 हुआ था उसमें बांग्लादेश को 127 पे इंडिया ने ऑल आउट कर दिया था और यहाँ पे इंडिया ने 7 विकेट से मैच को जीत लिया था। 35 रन 1 विकेट मेहंदी हसन मिराज, 27 रन नजबुल हुसैन सन, तो बाकी किसी ने कुछ खास नहीं। हार्दिक ने 39 रन 1 विकेट, सैमसंग ने 29 रन, सूर्य कुमार यादव ने 29 रन, हर्षदीप और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए थे। दोनों ही मैच में हमने बड़ी विनिंग की थी।
आप हमारी टीम जाकर के टेलीग्राम पे देख सकते हो, मेंबर्स की विनिंग भी आप देख सकते हो। बाकी ये जो दोनों मैच है, ये दोनों ही मैच आई थिंक T20 वर्ल्ड कप का होगा, इसका आप देख लेना अपने से। अब देख लेते हैं कौन से बॉलर किस बैट्समैन को आउट करते हैं। जिस बॉलर ने एक से ज़्यादा बार आउट किया किसी बैट्समैन को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचअप होता है। तो वो हम केवल देखेंगे, एक ही है यहाँ पे, मुस्तफिजुर रहमान ने 10 बॉल में 2 बार सूर्य कुमार यादव को आउट किया है और 21 रन 10 बॉल में सूर्य ने इनके अगेंस्ट मारे हैं। बाकी कोई खास मैचअप नहीं है। अब यहाँ पे इंडिया के बॉलर और बांग्लादेश के बैट्समैन का मैचअप देख लेते हैं। तो अर्शदीप ने 20 बॉल में 2 बार आउट किया है परवेज हुसैन इमाम को। वाशिंगटन सुंदर ने 5 बॉल में 2 बार नजमुल हुसैन संतो को आउट किया है। बाकी कोई खास मैचअप नहीं है। अब एक एक प्लेयर का स्टैट्स देखने के पहले दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। ये इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है, चेंज होने वाला है। संजू अभिषेक के साथ ओपनिंग इन्होंने लास्ट मैच में किया था, फिर सूर्य आए थे, नीतीश रेड्डी आए थे, रिंकू को प्रमोट किया गया था, हार्दिक उनके बाद आए थे, रेयान पराग है, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, हरदीप सिंह और मयंक यादव। अब यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से परवेज हुसैन ने ओपनिंग की थी लिट्टन दास के साथ, फिर नजमुल हुसैन संतो, टी हृदय, मेहंदी हसन मिराज, महमूदुल्ला, जाकिर अली, रिसाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पे एक एक प्लेयर का हम स्टैट्स एनालिसिस देख लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 में। सबसे पहले हैं संजू सैमसंग, पहले मैच में 29 बनाए, दूसरे में 10 पे ही आउट हो गए। तो इनको इंटरनेशनल मैच में चाहे जितना मौका दे दिया जाए, ज़्यादातर ये फ्लॉप होते हैं। और एक मैच यहाँ 58 दिख रहा है किसी और सीरीज का, बाकी में ये लगभग फ्लॉप ही हुए हैं और कोई खास इनका रिकॉर्ड है नहीं इंटरनेशनल में। अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा ने चूंकि बॉलिंग से भी बैकअप दे रहे हैं, पहले मैच में तो बॉलिंग कराई नहीं थी इन्होंने, लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग करा के एक विकेट लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और खेलते हैं तो बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच में 29, दूसरे में 8 पे आउट हो गए थे। इस मैच में कसर निकाल सकते हैं बैटिंग पे चाहिए, और कोई खास इनका रिकॉर्ड वेन्यू और हेड टू हेड में नहीं है। अगर मैं बात करूँ नीतीश रेड्डी की तो आपको पता ही है लास्ट मैच के स्टार प्लेयर थे, और बाकी पहले मैच में कुछ खास इन्होंने किया नहीं था। प्लेयर अच्छे हैं, बॉलिंग दोनों मैच में कराई थी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रिंकू सिंह है, पहले मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया था, बॉलिंग कराई थी, बाकी इन्होंने 53 रन यहाँ पे बनाया है। ये किसी और सीरीज का स्टैट्स है क्योंकि पहले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, बॉलिंग भी नहीं किया था रिंकू सिंह ने, तो ये किसी और सीरीज का है। लास्ट मैच में इनको बैटिंग करने का मौका मिला, 53 रन बनाया था। इसके बाद हार्दिक पंड्या दोनों मैच में अच्छा किया इन्होंने, लास्ट मैच में इन्होंने 1 भी ओवर बॉलिंग नहीं कराई थी, तो आश्चर्य की बात है। बाकी बॉलर्स को इन्होंने बॉलिंग दी थी, मौका दिया था रेयान पराग को और अभिषेक शर्मा को, जिन्होंने पहले T20 में बॉलिंग नहीं कराई थी। तो हार्दिक इस मैच में बॉलिंग करा सकते हैं और आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका। रेयान पराग लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग कराई थी, 2 ओवर 1 विकेट लिया था, तो फिर अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो रेयान पराग को ऊपर भी बैटिंग करने भेजा जा सकता है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, दोनों ही मैच में इन्होंने इनका ओवर काटा गया, लास्ट मैच में इन्होंने 1 ओवर बॉलिंग की थी और 1 विकेट इनको मिला था। यानी हार्दिक पंड्या क्या कर रहे हैं, जो बॉलर है इस समय तो कैप्टन सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य कुमार यादव जो बॉलर है उनसे बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं और जो बैट्समैन है उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं। तो इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है जब बड़ी टीम के साथ मैच होगा, क्योंकि इन लोगों को कॉन्फिडेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वरुण चक्रवर्ती ने दोनों मैच में अच्छी बॉलिंग की, 1 में 3 विकेट लिया, 1 में 2 विकेट लिया, आपके लिए मस्ट पिक है। एंड अर्शदीप सिंह, पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे में 1 विकेट इनको मिला, आपके लिए मस्ट पिक है, पहले मैच में हमने इनको कैप्टन बनाया था। इसके अलावा मयंक यादव बॉलिंग तो बहुत अच्छी करा रहे हैं, बट इनको विकेट उतने नहीं मिल रहे, 1-1 विकेट मिला 2 मैच में इनको। इसके बाद बेंच पे कुछ प्लेयर है, अब इंडिया के ये बेंच के प्लेयर खेल सकते हैं, जैसे रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है, इसके अलावा हर्षित राणा को मिलेगा ही मिलेगा, लगभग कन्फर्म है, एंड शिवम दुबे प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता है संजू सैमसंग की जगह पे। तो ये जितने बेंच पे सभी खेलते हुए आपको दिखेंगे लगभग। बांग्लादेश की तरफ से इमोन कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लिट्टन दास भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े प्लेयर। एंड नजमुल हुसैन संतो ने पहले मैच में 27 बनाए, दूसरे में फ्लॉप रहे, टी हृदय अच्छे प्लेयर है लेकिन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, नहीं लेना है आपको, मेहंदी हसन मिराज आपके लिए मस्ट पिक है, बैटिंग प्लस बॉलिंग से आपको पॉइंट देंगे। इसके अलावा महमूदुल्ला ने लास्ट मैच बॉलिंग भी कराई थी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ले सकते हो, उतने कंसिस्टेंट आजकल है नहीं, जाकिर अली को नहीं लेना है। इसके बाद रिसाद हुसैन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और 3 विकेट लिया, तो इस मैच में बॉलिंग कर सकते हैं, चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मदद है,
तो स्पिनर को अवॉइड करना, फास्ट बॉलर को ज़्यादा रखना है। जैसे कि तंजीम हसन साकिब हमेशा विकेट सिंह को मिलता है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, इनको आप ले सकते हो। तस्कीन अहमद ने भी 2 विकेट लिया, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप ले सकते हो, डेथ ओवर में आते हैं। बेंच पे इनके प्लेयर्स हैं, इनको भी इन लोग ट्राई कर सकते हैं, सीरीज ऑलरेडी हार चुकी है टीम। सॉरीफुल इस्लाम है, फिर इसके बाद तंजीद हसन है, इनको टीम खिला सकती है, ओपनिंग करने आते हैं। मेहंदी हसन को भी मौका मिल सकता है, बट यहाँ स्पिनर को उतनी मदद है नहीं। रकीबुल हसन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, हमने एक टीम बनाई हुई है। यहाँ पे बांग्लादेश के हमने स्पिनर को लिया, बैट्समैन को नहीं लिया है, केवल बॉलर्स को हमने लिया है। एक हमने मेहंदी हसन मिराज को लिया है स्पिनर में, बाकी ये तीनों इनके पेसर हैं, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और तंजीम हसन साकिब, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको ज़्यादातर देने वाले हैं। आप एक चेंज कर सकते हो, किसी एक बॉलर को हटा के महमूदुल्लाह को ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इंडिया की तरफ से हमने संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, हार्दिक, नितेश रेड्डी, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, 2-3 प्लेयर हैं, जैसे कि रिंकू सिंह हुए और रेयान पराग हुए, इनको तभी लेना जब इंडिया की पहले बैटिंग आ रही है। बाकी कुछ हमारी प्रीवियस विनिंग है, 70 करोड़ से ज़्यादा हमने ड्रीम इलेवन और माई टीम इलेवन से मिला करके विन किया है। बात करते हैं पेड मेंबरशिप की, हमारा एकमात्र व्हाट्सअप नंबर है 9140233474। हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, विनिंग भी सबसे ज़्यादा हाई है। विमेंस बिग बैस लीग का पैकेज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसका पैकेज आप ले सकते हो। और WBBL तो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन WBBL के मेंबर्स को अभी से हमने टीम देना स्टार्ट कर दिया है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा। आपका होस्ट नितो संकुरी साइनिंग आउट, बाय बाय।